स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज डिस्कशन होगा जीएनएम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके सेकंड पेपर के बारे में। तो सेकंड पेपर का जो मॉडल पेपर है आज मैं बताऊंगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है अपने क्वेश्चन पेपर के सेट के बारे में लेकर के कि कैसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर थे तीनों पेपर का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, और मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया है, और उसमें जो भी बहुत ही डिफिकल्ट जो भी टॉपिक थे उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है दो वीडियो के माध्यम से। और इम्पोर्टेंट वो जो भी टॉपिक थे वो सभी आयुर्वेद के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो मैं उस पर सॉल्यूशन भी दे चुका हूँ, और तीनों पेपर तीनों जो सेट थे उसको मैंने अच्छी तरह से समझा भी दिया है। तो उसी सीरीज में जैसा कि जीएनएम फाइनल ईयर का एक मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ आप सभी को, जिसमें द्रव्यगुण विज्ञान और भैषज कल्पना का जो पेपर था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो उसी क्रम में उसी सीरीज में मैं दूसरा सेट लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में मैं विशिष्ट परिचर्या जो पेपर है मॉडल पेपर उसका मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी आयुर्वेद से जीएनएम स्टूडेंट कर रहे हैं, जितने भी आयुर्वेद जीएनएम के स्टूडेंट हैं, उनको अपने कोर्स सिलेबस की जानकारी अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सब्जेक्ट सिलेबस की जो सीरीज है सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट सिलेबस अपना जानना है उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट या सिलेबस क्या है, या अगर आपको कन्फ्यूजन है जीएनएम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिलेबस को समझने के लिए तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं देखूंगा कि कमेंट कितने आ रहे हैं, किस हिसाब से कमेंट है। अगर कमेंट आपके ज्यादा आते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है सिलेबस आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पूरी कन्फ्यूजन जो जीएनएम कोर्स के बारे में है पूरा कन्फ्यूजन, कैसे आपकी इंटर्नशिप होनी है, इंटर्नशिप कितने दिनों की होनी है, इंटर्नशिप के बाद कौन सा एग्जाम होना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारी जो दिक्कतें हैं मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। तो आपको एक सॉल्यूशन वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें सारी चीजें आपको जीएनएम कोर्स के बारे में पता चल जाए। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आज जीएनएम फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनका सेकेंड पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका मॉडल पेपर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो या अपने क्वेश्चन पेपर को समझने में दिक्कत ना हो, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको ये मॉडल पेपर बता रहा हूँ। और काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए थे कि सर जन्म फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो हमें जानने हैं, तो उसी लिए मैं आपको ये जो भी मॉडल पेपर है मैं बता रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपका है विशिष्ट परिचर्या, ये सेकंड पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर आपका है द्रव्यगुण विज्ञान और भैषज कल्पना, और सेकंड पेपर है विशिष्ट परिचर्या। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है उनके चार पेपर होते हैं, हर पेपर 100 मार्क के हैं तो 400 नंबर के हो गए, और फिर हर जो वाइवा है प्रैक्टिकल है आपका वो भी 100 नंबर का होता है, तो 800 नंबर के पेपर हो गए फाइनल ईयर के, और लास्ट ईयर में आपका मिडवाइफरी का पेपर होता है 200 नंबर का, तो टोटली ये भी 1000 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, सबके मार्क ऐड होते हैं। तो आज का जो पेपर है विशिष्ट परिचर्या का है, और इसमें भी ऑप्टेन मार्क जो टोटली मार्क है वो 100 नंबर का है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप जीएनएम कर रहे हो या डी फार्मा डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हो तो आपको हर पेपर में 7 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसमें से किसी 5 के आंसर आपको देने होते हैं, जिसमें मैं ये भी बता चुका हूँ 7 वो जो क्वेश्चन की सीरीज होती है उसमें जरूर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। तो इसमें भी उसी तरह का कुछ है, जैसे यहाँ पे साफ साफ पहले ही लिख दिया गया है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी के अंक समान है, पहले ही मेंशन है। तो इसमें से किसी 5 प्रश्न का आपको आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन होते हैं तो 7 प्रश्न में से किसी 5 प्रश्न के आंसर देने होते हैं। तो विशिष्ट परिचर्या जो सब्जेक्ट है सेम आपका जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था जनरल नर्सिंग उसी के तरह ही है जो विशिष्ट परिचर्या का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक जो मेडिकल इक्विपमेंट है या सर्जरी जो होती है या डिलीवरी जो कराई जाती है उसमें सारी चीजें, देखरेख की जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें
आपको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल बताई जाती है, तो ये सारी चीज़ें ही क्वेश्चन के टॉपिक बन जाते हैं और इसी पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपने ओटी में क्या किया, ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से काम किए हैं, नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराई है, या हार्ट रोगी अगर आपको केयर करने के लिए मिला है तो उसकी देख रेख आपने कैसे की है, कोई लंग डिजीज से कोई पेशेंट प्रभावित है तो उसकी देख रेख आपने कैसे की है, कोई नॉर्मली कोई बच्चा अगर डिलीवरी होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी देख रेख आप कैसे करेंगे, उसको बीमारियों से कैसे बचाएंगे, कौन कौन सी बीमारियां न्यू बॉर्न बेबीज को हो सकती है, तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, अगर आप चाहें तो अपने मन से भी आंसर दे सकते हैं अगर आपने प्रॉपर अपनी कहीं आप अगर प्रैक्टिस में हैं, कहीं किसी हॉस्पिटल में आपने वर्क किया हुआ है, कहीं प्रैक्टिस में हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के बेस्ट पे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेत्र रोगों एवं जनन संबंधी रोगों की देखभाल का वर्णन करना है। तो नेत्र रोगों एवं जनन संबंधी रोगों की देखभाल मतलब आई डिजीज जितने भी हैं और जनन संबंधी जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी प्रसव जो होता है उसमें जो समस्याएं होती हैं उन रोगों के ऊपर आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप का एक डिफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेनेशन के साथ एक आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले तो आपको नेत्र रोग बताना है, नेत्र रोग क्या होता है, कैसे होता है, नेत्र रोग में पेशेंट की किस तरह की केयर करनी होती है। और दूसरी जो है जनन संबंधी मतलब जो लेडीज जो है प्रेग्नेंट है और उसके बाद से उसकी डिलीवरी होनी है तो उसमें कौन कौन सी क्रिटिकल जो कंडीशन है आ सकती है, समस्याएं क्या क्या हो सकती है, किस हिसाब से आप केयर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। आसानी से आप चाहें तो अपने शब्दों का प्रयोग करके आसानी से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप सिंपल है आप हिंदी में आंसर लिखिए और हिंदी में ही आपको आंसर लिखना होता है। लेकिन कई लोग की दिक्कत यह है कि नहीं हम इंग्लिश में आंसर लिखना चाहते हैं, हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कुछ हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दोनों लैंग्वेज का यूज करना होगा, ज़्यादातर आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, सेकेंड क्वेश्चन है, शल्य कर्मागार में परिचारिका के कर्तव्यों को प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे जो बात आती है शल्य कर्मागार, शल्य कर्मागार का सीधा सा मतलब हो गया ऑपरेशन थिएटर, जिसमें ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं शल्य कर्मागार। तो शल्य कर्मागार में परिचारिका के कर्तव्यों का वर्णन करना है, परिचारिका के कर्तव्यों पर प्रकाश डालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको सिंपली उस जगह पर अपने आप को रख करके सोचना पड़ेगा, अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी की है या कभी आपने ऑपरेशन थिएटर में किसी नर्स को काम करते हुए देखा है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। अगर जनरली अगर बोलूँ तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आपको सिंपली यही लिखना पड़ेगा कि अगर एक परिचारिका किसी शल्य कर्मागार या ऑपरेशन थिएटर में कार्य करती है तो उसके कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो शल्य कर्मागार में जो भी परिचारिका या नर्स जो कार्य कर रही है उसके कार्यों में सबसे ज्यादा कार्य ये होते हैं कि जो भी चिकित्सक अपने द्वारा सुझाए हुए जो काम बताता है, जो चिकित्सक आदेश देता है उसके आदेशों का पालन करना ही एक आदर्श परिचारिका का कार्य होता है। अगर उसमें त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही भी नर्सिंग जो नर्स है उसकी जवाबदेही बनती है। तो टोटली जो ओटी सेक्शन मतलब ऑपरेशन थिएटर का जो काम है वो टोटली जो है परिचारिका का जो भी कार्य है वो चिकित्सक के आदेशानुसार होता है। तो वहां पे आप अगर आंसर लिखेंगे तो चिकित्सक के सुझाए हुए बातों के अनुसार जो भी आप कार्य करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो कि चिकित्सक ने अपने सर्जरी में जो जो भी उपकरण बताए हैं उसका उसको सही तरीके से ट्रे में रख करके ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के पहुंचने से पहले सारी चीज़ों को मैं तैयार कर लूंगी और किस तरह से उनके आदेशों का पालन करूंगी और बिस्तर किस हिसाब से डॉक्टर ने बताया है पेशेंट को देख करके उस हिसाब से मैं बिस्तर तैयार कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो शल्य कर्मागार में परिचारिका के जो कर्तव्य हैं वो आप यहाँ पे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो प्रश्न है वो बता रहा है स्थानीय संज्ञाहरण लोकल एनेस्थीसिया के प्रकार एवं औषधियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो आपको एनेस्थीसिया जानना पड़ेगा, जिसको हम संज्ञाहरण कहते हैं, मतलब जो निश्चेतक का कार्य करता है, बेहोशी का इंजेक्शन भी सामान्य भाषा में कह सकते हैं, लेकिन मेडिकली लैंग्वेज आपको यूज करना है तो एनेस्थीसिया ही यूज करेंगे या संज्ञाहरण कह सकते हैं। तो एनेस्थीसिया जो है अलग अलग तरह का होता है,
लोकल एनेस्थीसिया है, स्पेसिफिक एनेस्थीसिया है जो कि जरूरत के हिसाब से पेशेंट को दिए जाते हैं। कुछ ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं जो कि पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया के हेल्प से पूरी बॉडी को बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद से सर्जरी होती है। तो लोकल एनेस्थीसिया जो स्थानीय संज्ञाहरण है उसके प्रकार और औषधियों का वर्णन। स्थानीय संज्ञाहरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। तो स्थानीय जो लोकल एनेस्थीसिया है या एनेस्थीसिया का जो भी टॉपिक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपने क्लास नहीं की है कहीं कभी भी, कहीं भी किसी भी, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, वीडियो देख रहे हो, आपने लोकल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया के ऊपर क्लास अटेंड नहीं की है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लोकल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया के ऊपर आपको एक प्रॉपर लेक्चर का टॉपिक जो है, एक प्रॉपर लेक्चर की वीडियो आपके लिए दे दूंगा, जिससे आपकी आपको एनेस्थीसिया को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो है, निजी निवास पर यदि शल्य कर्म करना हो तो उनकी तैयारी कैसे करते हैं। तो निजी निवास पर शल्य कर्म करना हो, तो निजी निवास का मतलब अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में है, अस्पताल लाने तक का भी उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, या उसके अभिभावक या जो भी गार्जियन है उसको अस्पताल तक नहीं ले आ पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर सर्जरी की जानी होती है तो उसके घर पे ही सर्जरी के जो भी इक्विपमेंट हैं या चिकित्सक हैं या नर्स हैं सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे सर्जरी की जानी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर निजी स्थान में अगर सर्जरी करनी है या शल्य क्रिया करनी है तो किस तरह की व्यवस्था बनानी है आपको और कैसे करना है। तो उसमें आप अपने तरीके से सोच करके लिख सकते हैं कि अगर शल्य कर्म जो है किसी निजी स्थान पे करना है तो आपको किस हिसाब से रूम की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर किस हिसाब से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई किस हिसाब से चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, कौन सी दवाइयाँ या कौन से इक्विपमेंट है, कितनी मात्रा में आपको क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें सोच करके आप टॉपिक वाइज चाहें तो आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है और इसमें प्रॉपर नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा जो प्रश्न है वो है निम्न पर टिप्पणी करना। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही मैंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे सब में शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन में दो टिप्पणी है, छठवें में भी दो टिप्पणी है और सातवें में भी दो टिप्पणी है। तो पांचवें क्वेश्चन में जो टिप्पणी है, पहला है उसमें फुफ्फुस रोग एवं सावधानियां। फुफ्फुस रोग को पहले जान लेते हैं। फुफ्फुस रोग क्या है? जितनी भी लंग्स डिजीज होती है हिंदी में उसको फुफ्फुस रोग कहते हैं। तो फेफड़े की अगर बीमारियां है तो फेफड़े का रोग, कौन कौन से फेफड़े के रोग हो सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं, और कौन कौन सी सावधानी, अगर बीमारी लिखेंगे तो आपको सावधानी भी पता है कि किस बीमारी में कौन सी सावधानी हमें बरतनी है, या आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हृदय रोग में की जाने वाली सावधानियां, अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो कौन कौन सी सावधानियां हम बरतेंगे, या हृदय रोगी है तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां आप सुझाएंगे, इसका भी आंसर आप प्रॉपर तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां जो क्वेश्चन है ये भी टिप्पणी वाला ही है। इसमें पहला क्वेश्चन है रक्तदाब। तो रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर जो है, और कितना हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से जो ब्लड प्रेशर है मेजर किया जाता है, नॉर्मल रेट कितना होता है, हाई रेट कितना होता है, लोअर रेट कितना होता है, इस तरह के चीज़ों को लिख करके आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट लिखते हैं तो एक पेज से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाँच नंबर का क्वेश्चन होता है तो पाँच नंबर आपको मिलेंगे। तो चार अगर शॉर्ट नोट हैं तो आपको एक पेज लिख देंगे तो चार पेज में आपके चारों शॉर्ट नोट आ जाएंगे और आपको 20 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जो भी क्वेश्चन लिखे हैं इसमें दो दो ही शॉर्ट नोट हैं, तो मतलब एक शॉर्ट नोट आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें दो पेज कम से कम आपको लिखना है। तो रक्तदाब है आप लिख सकते हैं। दूसरा है नवजात शिशु की देखभाल। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी देखभाल आप किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, लंबे समय तक बीमारियों से बच के रह सके वो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी दो टिप्पणी है, सामान्य प्रसव और दूसरा है हृदय रोग। तो सामान्य प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो किस तरह से आपको करानी है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको ध्यान में देनी है, ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे। फिर दूसरा जो है हृदय रोग, हार्ट डिजीज जो है क्या है, हृदय रोग क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह की सावधानी इसमें बरतनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। तो विशिष्ट परिचर्या जो आयुर्वेद से जीएनएम कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, चाहे वो सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, उनको ये जो क्वेश्चन पेपर है समझ करके आसान हो जाएगा अपने सब्जेक्ट को समझना।
विशिष्ट परिचर्या का जो सब्जेक्ट है उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। ज़्यादातर दिक्कत ये हो जाती है, स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई या ये नहीं समझ में आया। तो क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि हम बहुत ही जल्दी सीख लेंगे, और आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप करके आप फॉरवर्ड करके आप जो मेन क्वेश्चन है वो देख लेते हो, उसके बाद से आप वीडियो नहीं देखते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप पूरे लेक्चर को सही से नहीं सुनेंगे, तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगी। तो आपको अगर अपने सब्जेक्ट सिलेबस को या अपने जो टॉपिक है या क्वेश्चन है उसके आंसर है उसको प्रॉपर तरीके से जानना है, तो आपको सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हो सही तरीके से कि आप अच्छे नर्स बनो, अच्छा काम करें, आपको नौकरी मिले, तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। आप अगर शॉर्टकट लेकर के चाहते हो कि नर्स बन जाएंगे, तो मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हो, और ना ही आप कभी नर्स बन पाओगे। तो मैं हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको अगर अपने कोर्स को करके लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेंगी, और पढ़ाई आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई को, अपनी क्लासेस को। तो सारी चीज़ें आप देखिए और समझिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप उस पर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी बातों को ध्यान दूँ और आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।